बाद जिलबिया मोड़ पहुंचते हैं तो शुरू में आपको लाल बाबा, इसके बाद पूर्णिया, फिर अन्नपूर्णा धर्मशाला और थोड़ा सा आगे आने के बाद सरकारी धर्मशाला मिलता है, जो कि यही है, येलो कलर जो दिखाई दे रहा है यही सरकारी धर्मशाला है जिलबिया मोड़ का। हाईलाइटेड जो बिल्डिंग दिख रही है वही सरकारी धर्मशाला है। तो हेलो भाई लोग, हर हर महादेव, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अभी मैं हूँ देखिए जिलबिया मोड़ के पहाड़ के बगल में, और एक देखिए बड़ा सा पार्किंग तैयार है गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करने के लिए, बांस वगैरह लगा दिया गया है। तो अभी मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ूँगा और वहाँ से पूरा जिलबिया मोड़ का नज़ारा दिखाऊँगा किस प्रकार दिखता है। मैं भी नहीं चढ़ाऊँ कभी, तो आज देखते हैं और वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है सावन को आने में, तो मैं थोड़ा, तो फिर जब कांवरिया बम चलने लगेंगे ज़्यादातर संख्या में, तो वो चीज़ भी मैं दिखाऊंगा आप सभी को। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारे सामने ऊंचा पहाड़ और बगल में बहुत सारा, बहुत बड़ा जंगल लग चुका है, बहुत पेड़ लगा चुके हैं वन विभाग के द्वारा। और इस साइड देखिए जिलबिया मोड़ की बिल्डिंगें, और ये रहा पर्यटन धर्मशाला, और इसी के सामने है जिलबिया मोड़ का पहाड़। तो ऊपर की चढ़ाई शुरू करते हैं और ऊपर जाके ही मिलते हैं आपसे और देखते हैं। यहाँ से तो नज़ारा दिखना शुरू हो गया है, ऊपर जाने के बाद पता नहीं कैसा लगेगा। जैसा भी आपको एक्सपीरियंस मिले आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई लोग, यहाँ पर देखिए पूरा जिलबिया मोड़ का जो बिल्डिंगें हैं दिखने लगी है, और यहाँ पे देखिए दूर दूर तक का नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है। और यहाँ से इस साइड में कांवरिया पथ गुजरते हुए इधर को आती है, तो इधर से चलते हैं ऊपर से देखते हैं, और वहाँ से देखते हैं कि कांवरिया पथ का नज़ारा होता दिखता कैसा है। तो आप भी देख लीजिएगा और हम भी देख लेंगे आज। तो वीडियो में बने रहिए आगे। सांसें फूल रही है, चढ़ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अब चढ़ चुके हैं और चढ़ भी जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ऊंचाइयों पर चढ़ चुका हूँ और सबसे ऊपर चढ़ चुका हूँ, और सबसे ऊपर से देखते हैं। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ का, और ऊपर से मैं बताता हूँ कि कांवरिया पथ जो है इधर से इधर को जाती है, तो एक बार आप भी देख लीजिए। और यहाँ पे जो होता है जब कांवरिया बम चलते हैं, वो गाड़ी से हो या फिर पैदल हो, जब यहाँ पे विश्राम करते हैं जिलबिया मोड़ में, तो अक्सर इस पहाड़ के ऊपर घूमने आया करते हैं। हो सके तो मैं उस टाइम को भी दिखाऊंगा कांवरिया बम किस प्रकार यहाँ आते हैं घूमने के लिए। तो फिलहाल अभी सुनसान है, लेकिन थोड़ा देखने लायक है, क्योंकि सावन तो सावन ही होता है। और यहाँ चढ़ने के बाद हाईवे भी दिख रहा है और कांवरिया पथ भी, तो एक बार दिखाते हैं आप सभी को। देखिए ऊंची जगहों पर से बिल्डिंगें किस तरह दिखती है। और यहाँ पे ये देखिए, ये किनारे किनारे जो ये रोड दिखाई दे रहा है, ये हाईवे है, और जो इधर से होते हुए देवघर बाबा धाम की ओर जाती है, वो पहाड़ों पे एक दुकान दिखाई दे रहा है, और दुकान के बगल में हाईवे है। वो जो देख रहे हैं रोड, वही हाईवे आगे को निकलती है और आगे तक वहाँ तक जाती है, अगला मोड़ तक। और यहाँ पे जो किनारे है, इसी के बगल से गुजरते हुए कांवरिया पथ है, रोड उधर को जाती है और कांवरिया पथ इधर को जाती है, जो जंगल होते हुए बाबा धाम की ओर जाती है। फिलहाल यहाँ से अभी पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कांवरिया बम बहुत कम है, नहीं के बराबर, 1, 2, 4, 6 ऐसे करके मिलते हैं। और सावन जब ज़्यादा भीड़ होता है सावन में, उस वक्त देखने में खूबसूरत और ज़्यादा ही मनमोहक होता है। और यहाँ पर देखिए, जब लगभग 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद जिलबिया मोड़ पहुंचते हैं, तो शुरू में आपको लाल बाबा, इसके बाद पूर्णिया, फिर अन्नपूर्णा धर्मशाला और थोड़ा सा आगे आने के बाद सरकारी धर्मशाला मिलता है, जो कि यही है, येलो कलर जो दिखाई दे रहा है यही सरकारी धर्मशाला है जिलबिया मोड़ का। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रुक सकते हैं, सभी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ से विश्राम करने के बाद
फिर आप अपना यात्रा इसी रास्ते से होते हुए इधर की ओर जाते हुए आप निकल जाएंगे। तो भाई लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर से नज़ारा कैसा दिखाई दे रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वही जो हाईलाइटेड जो बिल्डिंग दिख रही है वही सरकारी धर्मशाला है, और वहाँ पे सभी सेवाएं जो है निःशुल्क होती है, और मतलब हाईलाइटेड है वो, ज़्यादातर वही दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा बिल्डिंगों में से वही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैं अभी हूँ सबसे ऊंचा पहाड़ पे, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई यहीं पर है। तो दोस्तों, यहाँ से नीचे का नज़ारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही सावन का अपडेट आप सभी को देंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।